क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, डेफिनेटली हमें पाकिस्तान का सिटी पसंद आएगा, तो आप इंडियन हैं तो डेफिनेटली आपको इंडियन सिटी पसंद आएगा। हेलो गाइस, दिस इज मुनखान फ्रॉम पाकिस्तानी रिएक्ट्स। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फातिमा मलिक फ्रॉम पाकिस्तानी रिएक्ट्स। आज हम लेके आए रिएक्शन वर्ल्ड की दो मोस्ट फेमस सिटीज पे पाकिस्तानी रिएक्ट। वर्ल्ड की दो मोस्ट फेमस सिटीज कौन कौन सी हैं? एक तो दिल्ली है, दूसरा इस्लामाबाद। दिल्ली अपने कल्चर और अपनी हिस्टोरिकल प्लेसेस की वजह से बहुत फेमस है और ये इंडिया का कैपिटल है। और पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद, जो कि वर्ल्ड का सेकंड ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी है। इन दोनों का कंपैरिजन एक इंडियन दोस्त ने किया है। वो किस चीजों पे कंपैरिजन किया है उसको हम देखते हैं वीडियो, तो फिर हमें पता चलेगा। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने कमेंट्स करना ना भूलेगा वीडियो देखने के बाद। चलते हैं वीडियो की तरफ गाइस। इससे पहले गाइस हम शुरू करें, प्लीज गाइस डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब अवर चैनल, इफ यू ऑलरेडी सब्सक्राइबर देन डोंट फॉरगेट प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कंपैरिजन किया है इसने। 1 2 3 स्टार। दोस्तों, आपके डिमांड पर हम आज इस्लामाबाद वर्सेस दिल्ली का कंपैरिजन का वीडियो लाए हैं। ओके। पिछले वीडियो मुंबई वर्सेस कराची में आपका जबरदस्त रिस्पांस देने के लिए शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोनों शहर अपने अपने देशों की राजधानी है। आपको बता दें कि इस वीडियो मतलब में कैपिटल, हम पूरे दिल्ली शहर की बात करेंगे, जबकि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ओके। जो दिल्ली की एक डिस्ट्रिक्ट है। आपको थोड़ा इन दोनों शहरों की हिस्ट्री बताते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान को एक मजबूत राजधानी की तलब थी। खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची को पाकिस्तान की राजधानी घोषित की थी। बिल्कुल। लेकिन लोकेशन और बिजनेस सिटी होने के चलते पाकिस्तान की राजधानी बदलकर रावलपिंडी कर दी गई और बाद में 14 अगस्त 1967 में इस्लामाबाद को पाकिस्तान की नई राजधानी घोषित की गई। वहीं अगर आप दिल्ली की बात करें तो आनंद पाल से लेकर पृथ्वीराज चौहान और मुगलों से लेकर ब्रिटिश राज तक दिल्ली का एक गहरा इतिहास छुपा हुआ है। 1911 से ब्रिटिश ने दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित की थी, जो कि आजादी से अब तक चल रही है। दोस्तों, जीडीपी की बात करें तो इस्लामाबाद की जीडीपी $10 बिलियन है, वहीं दिल्ली की जीडीपी $305 बिलियन है। पॉपुलेशन की बात करें तो इस्लामाबाद की पॉपुलेशन 1.152 मिलियन है, वहीं दिल्ली की पॉपुलेशन 19 मिलियन है। एरिया की बात करें तो इस्लामाबाद का एरिया 906.5 किलोमीटर स्क्वायर है, वहीं दिल्ली का एरिया 1484 किलोमीटर स्क्वायर है। रिलीजन की बात करें तो इस्लामाबाद में 95.53% मुस्लिम, 4.07% क्रिश्चियन, 0.02% हिंदू और दूसरे माइनॉरिटीज है। वहीं दिल्ली की बात करें तो 80% हिंदू, 12.86% मुस्लिम, 3.77% सिख, 1% जैन, 1% क्रिश्चियन और दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। चलिए दोस्तों कुछ खाने पीने की बात करते हैं। दिल्ली में औसतन एक वक्त का खाना 140 रुपए का मिलता है। okay. वहीं इस्लामाबाद में एक वक्त का खाना 165 भारतीय रुपए में मिलता है। एक लीटर के मिनरल वाटर बॉटल औसतन दिल्ली में 20 रुपए की मिलती है, वहीं इस्लामाबाद में 23 भारतीय रुपए में मिलती है। टैक्सी का किराया 1 किलोमीटर का दिल्ली में 12 रुपए है, वहीं इस्लामाबाद में 20 भारतीय रुपए है। एक अच्छे मल्टीप्लेक्स सिनेमा की नॉर्मल टिकट औसतन दिल्ली में 300 रुपए तक मिलती है, वहीं इस्लामाबाद में 320 भारतीय रुपए में मिलती है। एक नॉर्मल रूम का सिटी के सेंटर में एक मंथ का किराया औसतन दिल्ली में 16,000 रुपए होता है, वहीं इस्लामाबाद में 10,000 भारतीय रुपए होता है। अगर आपको कोई फ्लैट खरीदना है तो दोस्तों ये रेट्स भी जान लो। सिटी के सेंटर में औसतन दिल्ली में रेट 3 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर है, वहीं इस्लामाबाद में 60,000 भारतीय रुपए पर स्क्वायर मीटर है। टैक्स के बाद औसतन एक व्यक्ति की सैलरी दिल्ली में 41,000 रुपए है, वहीं इस्लामाबाद में 18,000 भारतीय रुपए है। दोस्तों, एयरपोर्ट्स की बात करें तो इस्लामाबाद का इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 2017 से 2018 में 4.7 मिलियन पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया, जबकि एयरपोर्ट की कैपेसिटी 15 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर की है। वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो 2017 से 2018 में 65.7 मिलियन पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया था, जिसके चलते न केवल भारत का बल्कि पूरे साउथ एशिया का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट बना था। वहीं एक प्रोजेक्ट के तहत 100 मिलियन
ईयर कैपेसिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है। दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इस्लामाबाद में इस्लामाबाद से रावलपिंडी मेट्रो बस को बहुत अच्छा और आला किस्म का माना जाता है। इस रूट में 24 बस स्टेशन है और सभी बेहद खूबसूरत तरीके के हैं। इस सर्विस को सबसे भरोसेमंद सर्विस मानी जाती है। स्टूडेंट से लेकर ऑफिस वर्कर तक हर कोई इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन इस्लामाबाद में शहर में ट्रैवल करने के लिए न कोई मेट्रो ट्रेन है और न कोई लोकल ट्रेन। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मेट्रो दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी मेट्रो लाइन है। यहाँ मेट्रो में प्रतिदिन लाखों लोग सफर करते हैं, वहीं बसेस भी इतनी ही चलती है। पॉपुलेशन तो चलेगी ना। घूमने फिरने की बात करते हैं। इस्लामाबाद में आप फैसल मस्जिद, मदीना हिल्स, ब्यूटी पीर सोहावा, ब्यूटी पाकिस्तान मॉन्यूमेंट, बारी इमाम दरगाह, पार्लियामेंट हाउस, दामनी को, इस्लामाबाद जू, सैदपुर विलेज, लोक विरसा म्यूजियम, रावल लेक जा सकते हैं। वहीं दिल्ली में रेड फोर्ट, इंडिया गेट, राजघाट, कुतुब मीनार, राष्ट्रपति भवन, जामा मस्जिद, जंतर मंतर, हुमायूं टॉम्ब, चांदनी चौक, लोटस टेंपल, बंगला साहिब गुरुद्वारा, अक्षरधाम टेंपल, अग्रसेन की बावली, हजरत निजामुद्दीन दरगाह, हौस खास जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको कौन सी राजधानी अच्छी लगी, दिल्ली या इस्लामाबाद? यार दोनों अपनी जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त है। दोनों की जीडीपी अच्छी है, मगर दिल्ली की जीडीपी अच्छी है। मगर बात करें अगर ब्यूटी की तो इस्लामाबाद को डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड का सेकंड ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी। और अगर बात करें दिल्ली की, दिल्ली में बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस थी विजिट करने के लिए, जैसे कि जंतर मंतर दरगाह था, जामा मस्जिद भी थी, और बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस थी। उन्होंने अपना विरसा संभाल के रखा हुआ है। बिल्कुल, दोनों सिटीज अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, डेफिनेटली हमें पाकिस्तान का सिटी पसंद आएगा। तो आप इंडियन हैं तो डेफिनेटली आपको इंडियन सिटी पसंद आएगा। तो कोई बात नहीं, हमें तो दोनों ही सिटी पसंद है, जहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, इंडिया में रहे हैं या पाकिस्तान में रहे हैं, अच्छे लोग दोनों जगह रहते हैं, उनके लिए हमारी बेस्ट विशेज है। और बहुत अच्छा ये वीडियो बनाई, बहुत अच्छी वीडियो था, हमें बहुत पसंद आई। अगर मैं बात करूँ होटल, डेफिनेटली इस्लामाबाद बहुत महंगा सिटी है, वहाँ पे हर चीज बहुत महंगी है, वहाँ पे रहना थोड़ा हार्ड है। और बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस है देखने के लिए। ठीक है गाइस, आप भी इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाह रहे हो तो हमें कमेंट करना ना भूलेगा। हम यहाँ पे अपना रिएक्शन वाइंड अप करते हैं। हमारे आगे रिएक्शन जो आप देखना चाह रहे हो ऊपर नीचे आ रहे हैं, देखना ना भूलेगा। हमारे दोनों चैनल नीचे आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर देना। हमारे फेसबुक लिंक को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।